तो अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं पहाड़ों पे या कहीं पर भी, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है एक अच्छा होटल ढूंढना, वो भी बजट में। आज इस वीडियो में मैं कौसानी के कुछ बजट होटल कवर करूंगा और उसके अलावा कोशिश करूंगा कुछ लग्जरी होटल भी कवर करने की। बाकी यहाँ से आप आराम से बैठ के सामने पूरा हिमालयन व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसका बजट है 800 से 1000 रुपये। तो ये है इनका फैमिली कॉटेज, इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, और इसका जो प्राइस है वो है 2000। ये रूम आता है आपका लग्जरी रूम के अंदर। इस रूम की जो कॉस्ट है, मतलब जो इसका बजट है, वो है 5000 to 6000। तो अपने उत्तराखंड के सफर में मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत जगह, जहां से आप एंजॉय कर सकते हैं ये जो पीछे हिमालयन व्यू है, ये यहां पर आपको नंदा देवी, त्रिशूल और पांचाचूली पीक बहुत साफ नजर आती है। अभी तो मौसम खराब होने की वजह से इतना साफ नहीं है। सो हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल वेक्स ट्रैवल फिल्म्स, और आज एक्सप्लोर करते हैं कौसानी को। इस वीडियो में मैं जो जो कवर करने वाला हूँ कौसानी के बारे में, मैं आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा कौसानी की हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ की कुछ जो बेस्ट लोकेशंस हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा, होटल्स के बारे में, कहाँ आप रुक सकते हैं, लग्जरी होटल से लेके बजट होटल तक। तो ये सारा सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा और इन्हीं को मैं चैप्टर वाइज स्प्लिट करूंगा। तो इनकेस अगर आपको सिर्फ होटल्स के बारे में जानना है कौसानी के, तो आप उस चैप्टर पे जा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल वेक्स ट्रैवल फिल्म्स, घूमते हैं कौसानी। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको कौसानी पहुँचना कैसे और कौसानी एग्जैक्टली है कहाँ पर, ठीक है। कौसानी आने के लिए आपको हल्द्वानी काठगोदाम पहुँचना पड़ेगा। आप ट्रेन, बस से आप हल्द्वानी काठगोदाम पहुँच सकते हैं। हल्द्वानी से आप वाया भवाली अल्मोड़ा होते हुए कौसानी पहुँचेंगे। तो हल्द्वानी से कौसानी की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 140 किलोमीटर है। कौसानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। देवदार के जंगलों से घिरा कौसानी नंदा देवी, त्रिशूल और पांचाचूली जैसी हिमालयन पीक्स का एक शानदार व्यू देता है। कौसानी का पुराना नाम बलना था। 1929 में महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग पर काम करने के लिए इस जगह को अपना अस्थायी निवास बनाया था। इसके अलावा कौसानी हिंदी के मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए भी जाना जाता है। कौसानी की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो कौसानी में वैसे तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं और स्पॉट्स हैं वो अभी कवर करता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके इन स्पॉट्स को कवर करते हैं और आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले अनाशक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। अनाशक्ति आश्रम, कौसानी प्रसिद्ध है अपने अनाशक्ति आश्रम के लिए, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इसका निर्माण गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। गांधी जी की विदेशी शिष्य कैथरीन हेलमिन, जिन्हें सरला बहन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस आश्रम की नींव 1946 में रखी थी। इस आश्रम के अंदर आपको महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सी फोटो और किताबें देखने को मिल जाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम, कौसानी फेमस है सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम के लिए भी। पंत जी का जन्म यहीं कौसानी में इसी घर में हुआ था। इस म्यूजियम में आपको पंत जी की कविताएं, उनकी किताबें, उनके पुरस्कार देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप कौसानी में एक्सप्लोर कर सकते हैं लक्ष्मी आश्रम, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर कार्यरत है और जो सिर्फ लड़कियों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान है। कौसानी का चाय बागान, टी गार्डन, यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर आपको कौसानी की शॉल फैक्ट्री मिल जाएगी और जहाँ पर आप कौसानी में बने शॉल, स्वेटर वगैरह खरीद सकते हैं। एक लोकल मार्केट भी है कौसानी में, जहाँ आपको डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाएगा और छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी जगह जाते हो तो वहाँ पर आपको तीन टाइप के होटल मिलते हैं, एक लग्जरी होटल, एक बजट होटल और तीसरा होता है बैकपैकर्स के लिए। तो कौसानी में मैं ये कोशिश करूँगा कि ये तीनों टाइप के होटल कवर करूँ। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि आप यहाँ कौसानी में कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। तो कौसानी में सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ बजट होटल्स में। तो अभी जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये है होटल प्रशांत और ये एक बजटेड होटल है, ठीक है। इसके अंदर ले चलता हूँ, इसके आपको रूम्स दिखाता हूँ। और ये होटल आपको मिलेगा गांधी आश्रम, अनाशक्ति आश्रम के पास। यहाँ से आपको पूरा हिमालयन व्यू भी दिखेगा। एक बार अंदर चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर। चलो, तो ये है होटल प्रशांत और यहाँ से आपको पूरा ये जो हिमालयन व्यू है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको रूम्स दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको रूम मिलेगा, एक डबल बेड
टीवी वगैरह है, बाकी यहाँ से आप आराम से बैठ के सामने पूरा हिमालयन व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बाकी एक रूम और आपको दिखा देता हूँ होटल प्रशांत में, तो ये मिलेगा आपको डबल बेड, यहाँ बैठने के लिए सोफा प्लस ये, और सामने व्यू ये मिलेगी आपको, आपको बालकनी और सामने आप पूरा हिमालयन व्यू एंजॉय करेंगे। तो ये है होटल प्रशांत, यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। इसका बजट है 800 से 1000 रुपये ऑफ सीजन में, और ऑन सीजन में भी थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। और इनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है विद फोन नंबर, अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, होटल प्रशांत कौसानी। तो अब ले चलता हूँ आपको एक और बजट होटल में, होटल सागर, और ये भी अनाशक्ति आश्रम के पास ही है। तो आओ आपको सबसे पहला एक रूम दिखाता हूँ मैं होटल सागर में। तो ये रहा होटल सागर का रूम, और ये रही इनकी बेडिंग यहाँ पर, और ये इसमें सच कोई बालकनी नहीं है, बट आपको एक जो व्यू है वो सामने मिल जाएगा। इवन आप ये खिड़की भी खोल सकते हैं, और बैठने के लिए ये रहा, टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो वाईफाई गीजर आपको सब मिलेगा इधर। बाकी अगर प्राइस रेंज बताऊं तो प्राइस इसका वरी करता है 1500 to 3000, उनकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो अभी मैं हूँ ये टी गार्डन के पास, और कौसानी मार्केट से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे ये बैजनाथ बागेश्वर वाली रोड है, वहाँ पर। तो अभी जहाँ मैं हूँ वो है हिमालयन विलेज, ये एक बजट स्टे है, इसको मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ इनकेस अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं अंदर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हट बने हुए हैं, और अगर आपको बॉन फायर करना है और कुछ ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो वो सब यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा, और जो ये हट है ये है 3 बेडेड, इसमें डबल बेड यहाँ पर है और एक सिंगल बेड ऊपर है। बाकी एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ये फैमिली कॉटेज का, तो ये है इनका फैमिली कॉटेज, इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, और इसका जो प्राइस है वो है 2000। अगर आप कुछ एक अलग सा स्टे चाहते हैं होटल के अलावा, मतलब कुछ जंगलों के बीच और जहाँ पर आप बॉनफायर वगैरह कर सकते हैं, तो आप हिमालयन विलेज को कंसिडर कर सकते हैं। तो बजट होटल के बाद मैं आपको कौसानी के कुछ लग्जरी होटल्स में ले चलता हूँ। तो आपको यहाँ पार्किंग एरिया मिल जाएगा, आप अपनी कार जिसमें भी आप आते हैं आप यहाँ आराम से पार्क कर सकते हैं, अंदर चलते हैं। तो ये है डाइनिंग हॉल जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर बाकी सब यहाँ पर सब होता है, आप एक बार अंदर देख सकते हैं। और बाहर से व्यू वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो जैसे आप बालकनी में आते हैं तो ये आपको सामने हिमालयन व्यू दिखता है, ये बहुत खूबसूरत है। दूसरा सुमन रॉयल रिजॉर्ट में आपको यहाँ पर पार्टी लॉन और बच्चों के खेलने के लिए सारे ग्राउंड्स और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इन्होंने, ठीक है। सो ये रहा एक रूम यहाँ पर सुमन रॉयल रिजॉर्ट में, और ये रूम आता है आपका लग्जरी रूम के अंदर। इस रूम की जो कॉस्ट है, मतलब जो इसका बजट है, वो है 5000 to 6000, और ये वरी करता है आपका ऑन सीजन ऑफ सीजन में। एंड यहाँ से जो बालकनी व्यू है वो ये तो अल्टीमेट है। तो ये ऐसा कुछ व्यू आपको सामने मिलेगा अपने रूम से। तो जो नीचे रूम था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वो था लग्जरी रूम। अब मैं आपको एक एग्जीक्यूटिव क्लास रूम में ले चलता हूँ, यही सुमन रॉयल रिजॉर्ट में, आ जाओ। तो ये जो रूम की कैटेगरी है ये एग्जीक्यूटिव रूम के अंदर आता है, और यहाँ पर आप वॉशरूम देख सकते हैं, यहाँ पर जकूजी भी लगा हुआ है और बाकी सारी फैसिलिटीज भी हैं। और ये रहा रूम, ये रहा बेड आपका, और इसके अलावा जो आपको व्यू मिलेगा वो सेम एज इट इज। व्यू तो खैर आपको नीचे लग्जरी रूम से भी वैसा ही मिलेगा। और इस रिजॉर्ट की प्राइसिंग 4000 से लेके 8000 तक वरी करती है, तो इनकेस अगर आप एक लग्जरी स्टे चाह रहे हैं कौसानी में, तो आप सुमन रॉयल रिजॉर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो कौसानी में लग्जरी स्टे में आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है प्रतीक्षा हिमालयन रिट्रीट। ये जो कौसानी मार्केट है उससे 1 किलोमीटर नीचे टी गार्डन वाले रूट पे आपको मिलेगा, जब आप टी गार्डन और बागेश्वर की तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो इस रिजॉर्ट के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ, यहाँ के रूम वगैरह आपको दिखा देता हूँ, और फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ स्टे करना है नहीं करना है। बारिश भी बहुत हो रही है, जल्दी। अब देखो यहाँ पर एक आपको प्ले जोन भी मिलता है, जहाँ पर कैरम बोर्ड, लूडो वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो इनकेस बच्चे वगैरह अगर यहाँ आते हैं तो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये आपका एक कैफे एरिया बोल सकते हो, जहाँ आप शाम को बैठ के इंजॉय कर सकते हैं सामने का व्यू, यहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी वगैरह अपने ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से ये सारा व्यू जो हिमालयन व्यू है वो आपको मिलेगा, और नीचे
खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं। तो ये है प्रतीक्षा रिट्रीट, और ये रहा रूम आपका, ये है डबल बेड, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, टीवी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और अगर आप वो बैठ के शाम की चाय एंजॉय करनी है तो ये जो सामने आपको व्यू मिलेगा वो ये रहा आपके सामने, और बालकनी भी है, ठीक है। तो हाँ, ये काफ़ी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है यहाँ पर। तो ये है प्रतीक्षा रिट्रीट का रिसेप्शन एरिया, और सामने है डाइनिंग हॉल। ये सारा बुफे सिस्टम रहता होगा ना। तो जो यहाँ पर प्रतीक्षा रिट्रीट में जो प्राइस वरी करती है वो 4500 to 5000। हाँ, ये जो प्राइस है इसमें आपका बुफे भी इंक्लूड रहेगा। तो अभी जिस होटल के सामने मैं खड़ा हूँ, ये है होटल हिल पैलेस, और ये जो होटल की जगह है, ये जो लोकेशन है इस होटल की, ये कौसानी मार्केट से जब आप बैजनाथ वाली रोड पे जाते हैं, जो जहाँ पर कौसानी टी गार्डन है, तो कौसानी मार्केट से कुछ 3-3.5 किलोमीटर में ये आपको होटल हिल पैलेस मिल जाएगा। तो ये है होटल का रिसेप्शन एरिया, और सो कुछ ऐसा रूम है, ये डबल बेड है, बाकी यहाँ पर आपकी चेयर लगी हुई है, और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, गीजर वगैरह लगा हुआ है। इस रूम का प्राइस है आपका 2800 रुपये। तो एक और रूम है, इस रूम का प्राइस भी 5000 से 5500, और सेम एज इट इज आपको एक बालकनी मिल जाएगी इधर, और यहाँ से अगर व्यू की बात करो तो आपको गार्डन व्यू मिलेगा नीचे। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं ये थोड़े से महंगे हैं, 5000 से 5500, और जो नीचे हैं रूम्स वो आपको 2800-3000 रुपये में मिल जाएंगे। तो ये था कौसानी के बारे में। कौसानी आए, कौसानी में आप पंत संग्रहालय, गांधी आश्रम, और ये टी स्टेट, ये सब आप घूम सकते हैं। और क्योंकि कौसानी क्या है ना, काफ़ी छोटी जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने सुकून के, अपनी ज़िंदगी के दो पल आप यहाँ बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पूरा हिमालयन व्यू नज़र आता है, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। बाकी इस वीडियो में मैंने कौसानी के कुछ बेस्ट बजट होटल और लग्जरी होटल्स कवर किए हैं, उन सब होटलों की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर अपना कौसानी का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेक्स ट्रैवल फिल्म्स, और मिलते हैं आपसे किसी और लोकेशन पे, कोई और जगह को कवर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।